हाय एवरीवन, मैं मिसबा ब्यूटी 9 से। आज हम लिपस्टिक हैक्स देखेंगे। लिपस्टिक लगाना सबको आता है, सभी मैक्सिमम लोगों को लिपस्टिक्स बहुत पसंद होती है, बट कुछ कुछ मिस्टेक्स होती हैं हमारी, कुछ कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि हमें ऐसा चाहिए फिनिश, वैसा चाहिए। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे, इसलिए मैंने इसका नाम लिपस्टिक हैक्स रखा है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं मैंने फेस मेकअप कर लिया, मेरा आईज कंप्लीट है, मेरा फाउंडेशन कॉम्पैक्ट कंप्लीट है, हाईलाइटिंग मैंने पहले की रखी है। अब मैं आपको कंटूरिंग बताऊंगी, वो भी लिपस्टिक से। आज हम कंटूरिंग के लिए लिप लाइनर यूज़ कर रहे हैं। इसका कलर है रस्ट, जिसका शेड इस तरह का है, ब्रॉन्जर जैसा, जो हम जिसे कॉन्टोर करते हैं एक्चुअली वैसा कलर है। मेरे पास एक और शेड है, अगर आपको वो ना मिले तो वो ओके, वो लैक्मे का लिप लाइनर है। यस आई गेस पता नहीं, बट ये मिस क्लेयर का है, तो आई डोंट नो ये आपको आपके आसपास की शॉप में मिलेगा कि नहीं, बट हाँ मिस क्लेयर के प्रोडक्ट्स ऑनलाइन भी मिलते हैं, तो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। और ये मैंने आज तक जहाँ भी देखा है, तो मुझे आसपास के जैसे कॉस्मेटिक की शॉप है जहाँ से हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो वहाँ मिल जाता है। ये आपने शायद देखा होगा, मिस क्लेयर के प्रोडक्ट्स ऑनलाइन है। वैसे आप चाहें, मैं कोशिश करूँगी कि मैं लिंक सर्च करके नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँ, बट ये मैंने जो कॉस्मेटिक शॉप है वहाँ से ली हुई है। तो आप इस तरह का शेड, कोई भी ब्राउन कलर का, उससे कंटूरिंग कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करती हूँ। ये बहुत क्रीमी और बहुत सॉफ्ट है, एकदम इजीली ये ब्लेंड हो जाएगी। और आपको अलग से कंटूरिंग किट लेनी भी नहीं पड़ेगी। मैं बहुत हल्की लाइंस बना रही हूँ क्योंकि ये लिपस्टिक है, तो उसका कॉन्सेंट्रेट जो होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा, इसलिए अब ऐसे फ्लफी ब्रश से कोशिश करती हूँ इसे ब्लेंड करने की। फ्लफी ब्रश से इसलिए कर रही हूँ ताकि थोड़ा एयर ब्रश लुक आए, क्योंकि हम जितना स्टीफ ब्रश यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा शार्प एजेस आएगी। ये ब्लेंड हो जा रहा है, थोड़ा ज़्यादा ब्लेंड करना पड़ रहा है, बट ये ब्लेंड हो जा रहा है क्योंकि लिपस्टिक है तो ज़्यादा पिगमेंटेड है। इसी फ्लैट ब्रश से करते हैं तो ये जल्दी होगा। काफ़ी स्मूथली ब्लेंड हो गई, इतना भी मुश्किल नहीं था। शायद आप थोड़ा सा स्टीफ ब्रश लें, जैसे कि ये फ्लैट स्टिपलिंग ब्रश, तो उससे थोड़ा ये इससे जल्दी हो गया, क्योंकि वो ब्लश ब्रश था तो उससे थोड़ा मुझे ज़्यादा एफर्ट लग रहा था, बट हाँ इससे काफ़ी स्मूथली ब्लेंड हो गया। तो ये हो गया, अब हम इसे सेट कर लेते हैं ब्रॉन्जर लगाकर, ताकि हमारी लिपस्टिक मूव ना हो। तो ये हमारा कंटूरिंग कंप्लीट हो गया लिप लाइनर से, और हमने ब्रॉन्जर से अपना पूरा कंटूर सेट कर लिया है, और काफ़ी नेचुरल लुक आया है। ऐसा बिल्कुल पता नहीं चल रहा है मुझे कि मैंने लिप लाइनर से कंटूरिंग की है। तो ये एक बहुत अच्छा हैक है लिपस्टिक के लिए, आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। इस तरह का ब्राउन जनरली लोगों के पास होता है, क्योंकि ब्राउन आप एक रखते ही हैं फॉर्मल के लिए, तो इस तरह का ब्राउन, ये मिस क्लेयर का है मैंने जैसे बताया, तो इस तरह का ब्राउन आप लेकर कंटूरिंग कर सकते हैं ईजीली। अब ब्लश लगाना है, तो ब्लश के लिए भी मैं लिपस्टिक ले रही हूँ। लिपस्टिक कोई सी भी ले सकते हैं आप, क्रीमी लिपस्टिक। जो मैं लिपस्टिक ले रही हूँ आज,
ये है लोटस का लिप क्रेयॉन, ये है ऑरेंज मैडनेस। तो बस स्माइल करना है, थोड़ा से डॉट्स बनाने और अब इसे सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करना है। ये हमारा ब्लश हो गया। इतनी एफर्टलेसली ब्लेंड हुआ है और इतना अच्छा कलर आया है, और वो भी सिर्फ लिपस्टिक से। ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ही स्मूथ था। अब हमें लिपस्टिक पे आना है, प्रॉपर लिप्स पे, कि हमारी लिपस्टिक ज़्यादा से ज़्यादा कैसे स्टे करे। उसके लिए आपको ज़रूरी है, अगर आप क्लश, थोड़ी सी शिमर, थोड़ी सी शाइन वाली भी लगाते हैं, तो हम कुछ भी पीते हैं, पानी भी पीते हैं या चाय पीते हैं, तो उसके कप में लग जाता है। तो हमें कंसील करना ज़रूरी है। कंसील इसलिए भी कर सकते हैं आप, क्योंकि कई लोगों के लिप्स डार्क रहते हैं, तो जो एक्चुअल लिपस्टिक का कलर है वो नहीं आता है, तो उसके लिए आप कंसीलर यूज़ करें। मैं यहाँ LA Pro कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, जो मैं हाइलाइटिंग के लिए यूज़ करती हूँ। आप ऐसे फ्लैट ब्रश से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। अब इसे पाउडर कर रही हूँ। और अगर आपके लिप्स ड्राई हैं तो ध्यान रखें कि आप लिप बाम लगाएं, उसे फिर टिश्यू में इस तरह निकाल लें जो एक्स्ट्रा है। अपना फेस का मेकअप करते हुए आप सबसे पहले लिप बाम लगाएं, पूरा अपने फेस का मेकअप करें, उसके बाद उसे टिश्यू में एक्स्ट्रा डैप कर लें, जो भी एक्स्ट्रा बचा होगा ग्रीसीनेस, ऑयलीनेस, उसके बाद कंसील और पाउडर करें, अदरवाइज आपकी लिपस्टिक आपको बहुत ज़्यादा ड्राई फील होगी। तो ऐसा करके आप लिपस्टिक लगाएं तो आपकी लिपस्टिक का एक्चुअल कलर आएगा और आपकी लिपस्टिक ज़्यादा देर स्टे करेगी। और जब आपका लिपस्टिक मैट चाहिए आपको और आप चाहते हैं कि दिन भर आपको टचअप ना करना पड़े, तो सबसे इजी तरीका, ये लिप लाइनर ले रही हूँ मैं, हमें इस तरह लेना है तिरछा। तिरछा इसलिए ले रही हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कलर फिल हो जाए लिप्स पे। और कभी भी लिप लाइनर लगाते हुए आप स्माइल ना करें, अदरवाइज आपका जो एक्चुअल शेप है लिप्स का वो आपको समझ नहीं आएगा और आप गलत ड्रॉ कर देंगे। ये बहुत क्रीमी और स्मूथ है। ये भी मिस क्लेयर्स का बेबी मैजेंडा है, बहुत अच्छा पिंक है ये। अब मैं इसे पूरा फिल कर रही हूँ। हमें ध्यान रखना है कि हमारे कॉर्नर्स पे कलर अच्छे से फिल हो। ये मैंने पूरा लिप्स भर लिया। अब आप चाहें तो लिप लाइनर ऐसे भी वेयर कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टे करेगा, क्योंकि ये बहुत मैट होता है तो आपको थोड़ा ड्राइंग लग सकता है। तो मैंने जो लिप बाम कहा था, आप ये भी कर सकते हैं कि लिप बाम इस पे लगा के और जो एक्स्ट्रा है वो टिश्यू पे डैप कर लें। और ये बहुत अच्छा लगता है मुझे लिप लाइनर ऐसे सिर्फ वेयर करना। और अगर आप इस पर लिपस्टिक लगाएंगे, मैं लगा रही हूँ प्रिस्टीन पिंक कलर एसेंस की, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टे करेगी आपकी। और आपको, आप अगर कुछ भी ड्रिंक करते हैं तो ऐसा नहीं कि आपके लिप्स एकदम खाली हो जाएंगे और आपका सिर्फ लिप लाइनर बचेगा। कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ भी खाते पीते हैं तो सिर्फ आपका लिप लाइनर बचता है और लिपस्टिक पूरी गायब हो जाती है, तो वो नहीं होगा। इस पर लिपस्टिक लगा रहे हैं, ये थोड़ा डार्क पिंक है, तो देखिए कितनी क्रीमी थी ये लिपस्टिक और थोड़ा शाइन भी है इसमें। अब थोड़ा शाइन है तो ऐसा होता है कि ज़्यादा शाइन रहती है तो आपकी लिपस्टिक मूव हो जाती है, बट आपने अंदर लिप लाइनर वेयर किया है तो ऐसा नहीं होगा, आपकी लिपस्टिक ज़्यादा से ज़्यादा स्टे करेगी। तो ये था हमारा तीसरा हैक। चौथा है कि अब आप इसको लिपस्टिक को आपको मैट करना है, तो आप ऐसा करें, टिश्यू पेपर लें, ये मैं एक छोटा सा टिश्यू पेपर ले रही हूँ, और एक ब्रश, और इसे इस तरह लेकर हमें पाउडर डैप करना है टिश्यू पे।
और ये आपकी लिपस्टिक इंस्टेंटली मैट हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा देर तक स्टे करेंगी। अब हम नेक्स्ट हैक पे चलते हैं। नेक्स्ट के लिए अगर आपकी लिपस्टिक फैल गई है तो ऐसा फ्लैट ब्रश लें और आपका जो स्किन से मैचिंग कंसीलर है उसे इस तरह क्लीन कर लें। अगर फैल गई है, बहुत ज़्यादा फैल गई है, जैसे मैं करके दिखाती हूँ, इस तरह अगर ऐसी फैल गई है तो आप एक कॉटन बड लें, इस तरह से उसे रिमूव करें और फिर जो आपका स्किन मैचिंग कंसीलर है उसे लेकर क्लीन करें और सारा सब कुछ ब्लेंड करें ताकि नेचुरल दिखे फिनिश। और ये हो गया आपकी क्लीन पाउडी लिप्स। तो ज़्यादा आपको मेस करने की ज़रूरत नहीं है और इतनी जल्दी आप अपनी मिस्टेक्स क्लियर कर सकते हैं। और कई बार लोगों का ऐसा होता है कि आपके लिपस्टिक लगाते हैं, आप ज़्यादा डार्क लिपस्टिक लगाते हैं तो उसका पिगमेंट आपके टीथ में लग जाता है। तो आपको ऐसा करना है कि आप एक फिंगर लें और जो भी एक्स्ट्रा होगी जो आपके टीथ में लग सकती है वो आपके फिंगर में आ जाएगी। तो इस तरह से दिन भर आप जब बात करें या कुछ खाएंगे तो आपकी टीथ पे नहीं लगेगी। अब जो नेक्स्ट है वो है जिनके लिप्स पतले हैं, तो जिनके लिप्स पतले हैं उन्हें आपको आप ऐसा ब्रश लें और अपना फेस हाइलाइटर लें और उसे सेंटर पे थोड़ा डैप कर लें और इधर क्यूपिड्स वो के टॉप पे और सेंटर पे और इसे मिक्स कर लें और बस ऐसा लगेगा कि आपके लिप्स, बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपके लिप्स पतले हैं और बहुत अच्छा पाउट आएगा, नेचुरल पाउट आएगा आपके लिप्स में। तो ये थे इतने सिंपल और इजी हैक्स लिपस्टिक के। आई होप ये आपको अच्छे लगे हों, यूज़फुल लगे हों। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।